सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। What is CHCH3? It is a sweet smelling liquid. The sweet smell karta hai, right? It doesn't mean ki it is good for health. It is very detrimental for our health, right? The brain pe effect dalta hai. Brings temporary unconsciousness. When inhaled. और तू अनकॉन्सियसनेस ऐसा नहीं होता जो मूवी में दिखाते हैं कि क्लॉथ लिया क्लोरोफॉर्म डाला अनकॉन्सियस हो गए, उसे 10 मिनट तक यदि इनहेल करते रहे तो अनकॉन्सियस हो जाता, 10 मिनट्स क्लोरोफॉर्म when inhaled is actually what dangerous to the human body. तो जो ऑपरेशन थिएटर में अनकॉन्सियस करना होता है तो इसका यूज नहीं करते, इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिऑक्सीडाइज हो गया है और तो एक्सप्लोड भी कर जाएगा वो। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब ये CHCl3 जो ला रहे अनकॉन्सियस करने के लिए ऑन एक्सपोजर टू, यदि सही से बैलेंस नहीं किया एयर एंड सनलाइट, तो उसके बाद जब अनकॉन्सियस करने के लिए यूज करेंगे तो आदमी परमानेंट अनकॉन्सियस हो जाता है। क्लोरोफॉर्म यदि ओपन है बॉटल, वो एयर से ऑक्सीडाइज होकर फॉसिलिन गैस बन जाता है। अब फॉसिलिन गैस बन जाएगा तो सोचो कि क्या होगा, वो तो परमानेंट अनकॉन्सियस हो सकता है कोई भी। अब बिहार वगैरह में जाओगे तो ये इसकी इंडस्ट्री चलाते हैं, किडनैपिंग इंडस्ट्री। तो कई बार वो लोग क्लोरोफॉर्म का यूज किया, उन्होंने ऐसा यूज कर दिया कि पॉसिंग गैस है, वो आदमी परमानेंट अनकॉन्सियस हो जाता है। मालूम चलता है कि होश ही नहीं आया। इजली ऑक्सीडाइज टू वॉट, पॉइजनस पॉसिंग गैस। जैसे CHCl3 O2 से रिएक्ट करेगा, उसको सनलाइट मिल गया तो ये CuCl2 बन गया, यही पॉइजनस, दैट इज पॉइजनिंग गैस। मान लो क्लोरोफॉर्म रखा हुआ यूज करने के लिए और पॉइजनस बन जा रहा है, तो इस पॉइजनस को हटाना होगा हमें। कैसे पॉइजनस को हटा सकते हैं? बहुत ही है, इसको Cl को रिप्लेस करना है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे दो Cl को रिप्लेस कर देगा। 1% इथेनॉल डाल देते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं। अब एक्सेस एयर रहा ना इन एक्सेस ऑफ एयर एंड ब्राइट सनलाइट Cl2 इज ऑल्सो ऑब्टेंड। मतलब जो फॉसिन गैस है और यहाँ पे 4CHCl3 लिया था ना और HCl था, तो HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में आ जाता है। HCl भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, राइट एच न्यू दोगे तो। कैसे मीथेन के साथ मैंने बताया था कि क्लोरीनेशन करना है, डिफ्यूज सनलाइट दोगे तो क्लोरीनेशन होगा, वो कैटलिस्ट का काम करेगा, बट राइट सनलाइट दोगे तो एक्सप्लोड कर जाता है वो, जस्ट लाइक फ्लोरिन हो जाता है। 4COCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, तो वही HCl भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगी। यदि फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो Cl2 मिल रहा है ना, तो कैसे मालूम चलेगा कि इम्प्योर CHCl3 है? इम्प्योर CHCl3 में क्या होता है, कंटेंट्स HCl ना, राइट, ऑक्सीडाइज होकर HCl का टेस्ट क्या होगा, एडिंग HNO3 क्या हो जाएगा,
सिल्वर नाइट्रेट, तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, इट गिव्स आउट HgCl व्हाइट पीपीटी, ऐसे होगा ना। ब्लू लिटमस पेपर टिप करोगे तो सिंस इम्प्योर था तो एसिडिक तो था ही, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होगा, ये रेड में कन्वर्ट होगा। और हम लोग चाहते हैं कि CaCl3 यदि COCl2 बना भी तो CaCl3 बेकार ना हो, COCl2 को हम लोग हटा दे किसी तरह, तो वी कैन यूज 1% इथेनॉल, तो इथेनॉल विल डू व्हाट, इट विल रिएक्ट विद COCl2 एंड विल कन्वर्ट इट टू द नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट। सो व्हाट वी हैव टू डू टू प्रिवेंट CaCl3 फ्रॉम its oxidation, it should be kept in dark brown metal, है ना? उससे क्या होगा, sunlight का effect नहीं आएगा and few drops of ethyl alcohol is added. अब ethyl alcohol क्या करेगा, उसको जो poisonous gas बना COCl2, ये just like acid chloride हो गया ना, acid chloride पे क्या reaction होता है, C2H5OH का, ये जाके इस पर attack करेगा, pi bond ऊपर shift हुआ, फिर वापस आता है Cl leaf, ऐसे ही होगा ना, और यहाँ से H plus बाहर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CO OC2H5, HCl gas बाहर आ गई, नॉन पॉइजनस हो गया, इधर भी सीएल है, इधर भी वही होगा उसी टू एच फाइव डाइथाइल कार्बोनेट ना। नाउ इट इज नॉन पॉइजनस, क्लियर? ओके आज एक और कम हो गए, 11 ऑफ यू आर देयर, यूजुअली 12 रहते हैं, कौन गायब है आज? अच्छा वैष्णव ही गायब है, ओके चलो ठीक है, एग्जाम में अपना टाइम बैलेंस करो, इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। सी एस सी एल थ्री ऑन हीटिंग विथ कॉन्क एच एन ओ थ्री क्लोरो पिक्री इज ऑब्टेंड, सी एच सी एल थ्री को यदि हिट किया जाए कॉन्क एच एन ओ थ्री के साथ, राइट, तो ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक होगा, हिटिंग रिएक्शन ऐसे ही होगा ना, तो ये H2O बन जाएगा और ये जो बन जाएगा CCl3 NO2, तो ये टीयर गैस में यूज होता है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। ओके शैलेश अभी ज्वाइन किया, ओके तो CaCl3 की प्रॉपर्टी क्या है, ना CaCl3 है, अब CaCl3 को एसीटोन के साथ यूज करो तो क्लोरीटोन बनेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, अब ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग हो जाएगा, ये करोगे तो क्लोरीटोन बन जाता है, ये क्लोरीटोन है ना, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, हिप्नोटिक हिप्नोटिक ड्रग,
CH3COCH3 प्लस CHCl3 KOH, वो क्या बन जाता है यहाँ पे प्लस पार्ट इधर और रेस्ट माइनस पार्ट इधर। ये एडिशन रिएक्शन होता है ना, एल्डिहाइड कीटोन पे, बस वही एडिशन रिएक्शन CCl3। मैकेनिज्म होगा क्या, OH माइनस का क्या रोल है, वो CHCl3 से H प्लस ले गया राइट, इट फॉर्म्स CCl3 माइनस एंड H2O। नाउ CCl3 माइनस वर्क्स एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, सो बेसिकली इट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इज कैरिंग डेल्टा प्लस, सो नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन द डेल्टा प्लस एंड बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द ऑक्सीजन। नाउ यहाँ पे CCl3 इज देयर, फर्दर सिंस वाटर तो बना था, वाटर आएगा, OH- कैटलिस्ट रीजनरेट होना चाहिए, रीजनरेट हो गया, ये मैकेनिज्म है जिससे क्लोरीटोन बनता है। तो CHCl3 का क्या यूज हो गया, क्लियर हुआ ना, दो अच्छे यूज हैं इसके, एक तो टीयर गैस, या तो आंसू लाएगा या सुला सकता है, क्लोरोपिक्रीन बना सकते हो या क्लोरीटोन। अब इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में व्हाट विल हैपन, CHCl3 और एक्वस NaOH दे दो, KOH एक्वस, यहाँ पे जो OH माइनस आकर अटैक करेगा तो Cl बाहर, सिमिलरली ऑल थ्री Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाउ 2OH ऑन द सेम कार्बन इज अनस्टेबल, सो वाटर विल बी लॉस्ट एंड विल गेट HCOH। Now since medium is basic, so basically it will convert to its salt, right? So we'll get potassium. Formic acids, right? Mariam, sakib, abhi aa rahe ho. 1248 क्लियर, नाउ वी कैन स्टार्ट द अल्कोहल, सो अल्काइल हैलाइड इज ओवर नाउ, तो अल्कोहल में देखें तो एंगल इज 104.5 डिग्री लिख सकते हो ऑलमोस्ट, है ना, ROH में ऑलमोस्ट 109 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ROR एंगल अलग अलग होगा, इफ R इज मिथाइल तो थीटा इज 110 डिग्री, मतलब 109 से भी ज्यादा है, C2H5 लोगे तो थीटा और स्प्रेड हो जाएगा 118, यानी कि SP3 है तो 109 डिग्री नहीं होगा, 118 डिग्री होगा। अब CH3 थ्राइस सी हुआ थीटा का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा 132 डिग्री, ओके, सो अल्कोहल के टाइप्स की बात करें तो होगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक C2H5OH हुआ, डाइहाइड्रिक में मालूम हो तो CH2OH, CH2OH दैट इज इथाइलीन ग्लाइकोल, और पॉलीहाइड्रिक वो होगा CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होगा ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल,
इथिलीन ग्लाइकोल है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। कहाँ पे यूज करते हो? अब ऐसे जगह पे जाओ जहाँ टेम्परेचर ही -20 -30 चला जाता है, तो वहां पे कार चलाओगे तो वाटर जो है, जो कूलिंग एजेंट का काम करता है, वही तुम्हारा आइस बन जाएगा। तो कूलिंग करेगा कैसे, वो इंजन को कैसे कूल रखेगा? तो हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री पे भी वो तुम्हारा लिक्विड बना रहे, फ्लो करते रहे, तो उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा, तो वही इथिलीन ग्लाइकॉल यूज कर देते हैं। तो -20 -30 पे भी वो आइस नहीं बनता, मतलब वाटर ही रहेगा, तो फिर कूल करते रहेगा। ग्लिसरीन का तो मालूम है, सब एक्टर एक्ट्रेस यूज करते हैं आंख में आंसू आने लाने के लिए, है ना? ग्लिसरीन से क्या आता है, आंसू आता है ना? वो बात अलग है कि अभी एक्टर एक्ट्रेस का देखोगे तो एक्चुअली रोते रहते हैं, उन्हें उनकी लाइफ देखो तो कितनी होती है लाइफ, 58 ईयर्स पे। अभी वो राज कपूर के बेटे चले गए, तो ऋषि कपूर 66 पे, 60 65, बस यही एज होता है। इतने स्ट्रेस में कौन जीता है? अपने गांव के लोगों को मैं देखूं तो सब 75 80 85 ऐसे जाते हैं। टेंशन फ्री लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, एक चीज याद रखना, कहीं भी रहो टेंशन फ्री रहो, इंजॉय करो अपने, तो तुम्हारा पढ़ना भी काम आएगा। यदि तुम टेंशन में पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज पढ़ के भी याद नहीं होगा, उस चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने आएगा ही, कोई भी क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा। तो अपने आप को किसी तरह स्ट्रेस फ्री रखो, तो अच्छे से हम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, टेस्ट फॉर इथेनॉल की बात करें हम, तो C2H5OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट C2H5OH क्या होता है, 78.5 डिग्री है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि C2H5OH बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा तो वीक होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों वीक पड़ता है? C2H5OH और C2H5OH इसमें क्या होगा, रिपल्सन रहता है, रिपल्सन ये है ना, तो थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर भी वाटर में डिजोल्व तो हो ही जाता है। क्यों डिजोल्व होगा वाटर में? दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अल्कोहल आ जाएगा ऐसा। ऐसे तो ये सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है ना, फिर अल्कोहल डिजोल्व करता वाटर में, उसका रीजन ही है। अब C2H5OH रहता है, इट गिव्स आयोडो फॉर्म टेस्ट, कल बताया था प्राइमरी अल्कोहल जो आयोडो फॉर्म टेस्ट है एक ही है, कौन सा? इथेनॉल, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा? एक ही है इथेनॉल, मिथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल वो सब नहीं देंगे, टू ऑल में सब देंगे। उसी तरह एक ही एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, एसिड एल्डिहाइड, और एक प्राइमरी अल्कोहल। अब इसको तुम अल्कलाइन KNO4 दे दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर देगा CH3COH। अब इसका टेस्ट क्या है तुम्हें याद होगा, FeCl3 के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा, ब्लड रेड कलर आ जाता है इसका, फेरिक एसिटेट का ये क्या आएगा, ब्लड रेड कलर। टेस्ट ऑफ विनेगर, एसिटेट आयन पढ़ते हो ना इनऑर्गेनिक, टेस्ट ऑफ एसिटेट आयन, एसिटेट आयन एसिटिक एसिड बना तो स्मेल ऑफ विनेगर आता, फिर विनेगर का टेस्ट एक ये है ब्लड रेड टेस्ट। एक KCNS है, उसमें भी FeCNS ट्राइस बनता है, फेरिक थायोसाइनेट, तो वो भी ब्लड रेड का बनता है। इसका टेस्ट तो हो गया, CH3OH का क्या टेस्ट होगा? टेस्ट फॉर CH3OH, CH3OH अल्कलाइन KNO4 क्या देगा वो? CO2, अब ये CO से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, CaCO3 मिल्की प्रेसिपिटेट, यही होगा ना? टेस्ट ऑफ CO2 पड़ा होगा, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ,
प्रेसिपिटेट होता है, बाद में वो भी डिजोल्व हो जाता है। लुकस टेस्ट इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। सो व्हाट इज लुकस रिएजेंट, ये सबको मालूम होगा। इट इज कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। तो उससे टर्बिडिटी आती है, मतलब RX प्लस ROH प्लस HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 दिया हुआ, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस H2O। यही टर्बिडिटी है। क्यों? RCl डिजोल्व तो होगा नहीं वाटर में, सॉल्यूशन में क्या बन गया, वाटर बना और RCl ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ऑयली सब्सटेंस है, नॉन ऑयली है, तो आपस मिक्स नहीं होगा, तो टर्बिडिटी दिखती है उसको, राइट। अब Cl माइनस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, सो लुईस एसिड इज एडेड। यही है ना, HBr के लिए नहीं चाहिए, HBr दोगे तो तुम्हें जरूरत ही नहीं, HBr HI के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं। तो इसमें क्लाउडनेस कब आएगा, टर्बिडिटी मतलब क्या हो गया, क्लाउडनेस ना, क्लाउड जैसा दिखेगा। क्लाउडनेस यदि 3 डिग्री रहा तब तो तुरंत कार्बोकैटायन बनेगा, इमीडिएट टर्बिडिटी दिखेगी। टू डिग्री रहा तो गिब्स टर्बिडिटी, आफ्टर 5 to 10 मिनट। 1 डिग्री डज नॉट गिव द टेस्ट। एट रूम टेम्परेचर हीट कर दोगे तब तो हो ही जाएगा, रूम टेम्परेचर पे मतलब कौन सा जल्दी रिएक्ट कर रहा है, 1 डिग्री रिएक्ट ही नहीं कर रहा, नो टर्बिडिटी। 2 डिग्री 5-10 मिनट के बाद आएगा टर्बिडिटी, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। और 3 डिग्री जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बना, जो भी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, 3 डिग्री अलाइल बेंजाइल एरोमेटिक, वो सब तुरंत कर देना। इसमें क्या हो गया, टर्बिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू व्हाट, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, हैलाइड में तो फिक्स है ना, क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड इन अल्कोहल, राइट। जो अल्कोहल का सॉल्यूशन था उसमें ये हो रहा है ना, तो इमीडिएट टर्बिडिटी कौन सा देगा, जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन है। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1। कौन कौन सा है वो, CH2OH CHOH, ये सब तुरंत कार्बोकैटायन स्टेबल करेंगे ना बाय डांसिंग रिएक्शंस। ये प्रोपीलियम आयन बनेगा, OH CH2OH बेंजाइल कार्बोकैटायन, अलाइल कार्बोकैटायन। SN1 में फास्टेस्ट था बेंजाइल देन अलाइल,
उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे था ना। लुकास टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन सा नहीं दे गए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ना। किसमें याद नहीं आता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब डायरेक्ट यहाँ पे डीबीसी वाला पार्ट है OH, ये हट के सीएल तो आएगा नहीं, OH प्लस HCl दे दोगे तो यहाँ पे सीएल नहीं आता है, नहीं आता है ना, क्यों, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर ना, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक भी नहीं कर सकता था और एंटी एरोमेटिक बन रहा तो भी नहीं होगा, ब्रिजेट पे है तो भी नहीं होगा, इस केस में भी नहीं होगा, विनाइलिक है तो भी नहीं होगा, बीबीसी ये वही केस है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहे हैं, तो ये सब नहीं। ओके उसके अलावा और भी मेथड है डिफ्रेंशिएट करने का, प्रिपरेशन करते हैं, वो था ना आरबीसी टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस बनता था, विक्टर मेयर टेस्ट, कॉपर टेस्ट हो जाएगा, 1 डिग्री का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री अल्कीन। ओके तो पहला हो गया फ्रॉम अल्केन्स, CH plus plus O2, red hot copper tube, इसमें क्या बन जाएगा CH3OH, केवल मीथेन से बनता है, तो लर्निंग मेथड है, कभी आएगा। एल्केन जिसमें टर्शरी है वो भी बनता है, एल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4, R3CH है, और इसमें अल्कलाइन KMnO4 दोगे तो क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये दो अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिर भी GMP में पढ़ना है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाकी भूल जाओ। अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कैसे होगा, RX है, एक्वस KOH, और हो गया मॉइस्ट Ag2O, ये बताया था कि ROH आएगा, मॉइस्ट Ag2O AgOH का, यहाँ भी ROH आएगा राइट, और यहाँ पे ROR है, ये क्या होगा साइड प्रोडक्ट, कल के लेक्चर में किया था रिडक्शन, इसको रिड्यूस करके आरएच लाना है, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये एल्केन चैप्टर में कर लिया था हम लोगों ने, LiLH4 NaBH4, LiLH4 क्या करता था, 1 डिग्री 2 डिग्री को एल्केन मिलाएगा, 3 डिग्री को एल्कीन ला देता, था ना NaBH4, वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, ये क्या है मोर रिएक्टिव ना, मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, तो ये 3 डिग्री को एल्किन बनाता है LiLH4, और NaBH4 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री को करता है, ये सब था 1 डिग्री 2 डिग्री RX को RH में ले जाएगा ये, और ये बताओ 2 डिग्री 3 डिग्री RX को RH में ले गया था, 1 डिग्री का कुछ नहीं होता, और यहाँ क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री RX एल्केन में जाएगा, है ना, 3 डिग्री RX एल्कीन बन जाता था, एलिमिनेशन रिएक्शन,
इसका 1 डिग्री आर एक्स नो रिएक्शन, एल्केन में सब किया था हम लोगों ने ना, डाइवेल एच याद होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक एल्यूमिनियम इसके साथ हाइड्राइड है और यहाँ पे 2 आइसोब्यूटाइल ले लो, ऐसे एक ही हाइड्रोजन है ना रिड्यूस करने के लिए, से डाइवेल एच दोगे और आरसीआर ले लो तो इसको एक ही एच मिलेगा, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन देता है, पर मोल एक हाइड्रोजन, वो सब पर मोल 4 हाइड्रोजन देता है, एआईपी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड मोस्ट सिलेक्टिव फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, और बाउबॉन्ड रिडक्शन तो ये तो फेमस है C2H5OH और NH, पर सबसे इजी पहले यही था, कहीं से हाइड्रोजन चाहिए तुम्हें रिड्यूस करने के लिए तो अल्कोहल लिया उसमें सोडियम डाल दिए, अब सोडियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन बाहर आता है तो नेसेंट हाइड्रोजन जाकर रिड्यूस करता था, तो पहले के लिए सबसे इजी मेथड तो अपना यही था, राइट। इसको थोड़ा सा डिटेल करें, रिडक्शन का मेजर पार्ट यहाँ कर लेते हैं अभी, फ्रॉम कार्बोनिल्स कैसे था कीटोन्स, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइड इसका रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, आर सी ओ आर हो गया, एल आई एल एच फोर है तो ये क्या देगा, ये +1 है +3 है, एच पे -1 है, आयनिक हाइड्राइड हो जाकर अटैक करेगा इधर जाएगा क्या बन जाएगा आर सी ओ माइनस आर एच, और इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, नहीं तो निगेटिवली चार्ज ही रह गया ना मॉलिक्यूल, तो कभी लिखा नहीं रहेगा कि एल आई एल एच फोर के बाद एसिडिफिकेशन करना, वो एज्यूम कर लेना है तुम्हें कि एल आई एल एच फोर डाला तो सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज तो होना ही था वो मॉलिक्यूल, तो बाद में H प्लस ऐड किया ही जाता, एल्डिहाइड रहता तो क्या आ जाता एल आई एल एच फोर एच माइनस अटैक्स ये ऊपर गया O माइनस, बाद में H प्लस यहां से आ जाएगा, इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, और यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल, अब फिनाइल है ना डबल बॉन्ड पे रिड्यूस नहीं करता, बट फिनाइल के साथ रहेगा तो इसे रिड्यूस करता है एलएलएच को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो तो बार बार आते रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, कंजुगेशन होना चाहिए CH2 CH2 और ये होगा CH2OH, बट फिनाइल की जगह CH3 हो तो नहीं होगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, तो यहाँ रेजिडेंस नहीं मिलने वाला इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे तो एसेंट पे अटैक नहीं करेगा वो, तो डबल बॉन्ड विल बी प्रिजर्व, बहुत फेमस बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन ही हमेशा आते रहते हैं, ये डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करेगा एल आई एल एच पर एक ही कंडीशन में जो फिनाइल के साथ कंजुगेशन, फिनाइल ग्रुप मतलब व्हेन फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा कार्बन है ना ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, लाई एल एच फोर reduces it in monohydric alcohol,
वन मोल ऑफ LiLH4 क्या करता है, गिव्स 4 मोल्स ऑफ H-. किस अदर रिएक्शंस क्या है LiLH4 का, अदर रिएक्शंस ऑफ LiLH4 वो देख लेते हैं। RNO2 gives out RNH2, PHNO2। तो ये नाइट्रो का जब रिडक्शन करोगे तो तुम NiH2 दो, PT दो, FeHCl दो, ये सब के केस में ये या FeHCl मेटल और ये पार्ट और LiLH4 ये रिड्यूस हो जाता है। NO2 न्यूट्रल मीडियम NHOH आता है तो वो अलग केस है, NO2 का 5-6 रिडक्शन वो लर्न करना है। तो ये जो मेटल और हाइड्रोजन है, मेटल और एसिड है, मेटल और हाइड्रोजन है, उसमें RNH2 कर देना। बट ये फिनाइल आ जाएगा ना, NHNH आ जाता है, ये डाइमर फॉर्म में चला जाता है। हाइड्राएजोबेंजीन, एजोबेंजीन था ना, तो हाइड्राएजोबेंजीन, हाइड्राएजोबेंजीन। अब CH3CHO CH2SO ले लो, LiLH4 दे दोगे तो यहाँ से H- आएगा, कहाँ अटैक करेगा, जो लेस हिंडर्ड कार्बन है हमेशा टर्मिनल पे। तो CH3CHOH ये CH2H मतलब CH3 आ गया, LiLD4 आएगा तो D- टर्मिनल पे जाएगा, और H2O है तो उसका H+ इधर आएगा, मतलब ऐसा रह जाए ये क्वेश्चन। CH3CHO CH2 फर्स्ट केस में, LiLH4 सेकेंड, D3O+ ये जो होगा CH3CHO, इसको D मिलेगा और इसको H मिलेगा। LiLD4 रहता तो टर्मिनल पे D जाता। ओके, नेक्स्ट। अब NaBH4 क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसको रिड्यूस करता है, तुम्हें लर्न कर लेना। 1 degree RX इसको नहीं करेगा, 2 degree RX, 3 degree RX इसको RH में कन्वर्ट कर देगा। RCOH एल्डिहाइड किधर जाएगा, 1 degree अल्कोहल है ना, और कीटोन दोनों साइड एक एक एच आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 degree अल्कोहल ना। इसके अलावा RCOCl है, बाकी कोई ऐसे डेरिवेटिव मत लेना, इसको बस रिड्यूस कर सकता है। इसके H- क्या होगा, पहले अटैक करता है तो Cl डायरेक्ट नहीं जाएगा, वीक पाई बॉन्ड है ना वो ब्रेक होता है, तो पूरे एसिड डेरिवेटिव का तो यही मैकेनिज्म, Cl इधर गया, H आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, O- और Cl एक साथ रह ही नहीं सकता, O- वापस जाएगा, इसको बाहर भेज देता है, तो क्या आ जाएगा, RCOH ना, फिर से H- आएगा, ये ऊपर गया, तो अब कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, वो माइनस एच और एच आ गया, बाद में यहाँ से H+ जो तुमने दिया इधर आ गया, RCH2OH आ गया। ओके, अब RCOCl मतलब उतना ही तीन को ही करेगा, LiLH4 दोगे तो क्या करेगा, वही पार्ट H- जाकर अटैक करेगा। अब एक स्टेप में लिखेंगे, बॉन्ड पहले ऊपर शिफ्ट होगा, नेक्स्ट स्टेप में इट कम्स डाउन गोज आउट एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करेगा H-, तो क्या होगा, फर्दर आके
आर सी एच टू ओ एच यहाँ पे रुक देगा ना, अब आर सी ओ आर एस एल आई एल एल एच फोर दे दो, क्या देगा ये? सेम पार्ट, एच माइनस से अटैक किया, ओ आर बाहर, एल्डिहाइड फर्दर अल्कोहल, एसिड का भी वही हाल करेगा, आर सी ओ एच फिर से वही, राइट, आर सी ओ ओ सी ओ आर, इसका भी वही होगा, इसमें भी एच माइनस आके अटैक करेगा, इधर दो एसिड बनाना और दोनों फर्दर आर सी एच टू ओ एच प्लस आर एस सी एच टू ओ एच, अमाइड एक एक्सेप्शन होगा, अमाइड के साथ ये क्वेश्चन इसीलिए पूछते रहते हैं, एल एस पौधे को तो एन एस टू बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है तो लिव ही नहीं करता था, आर सी एस टू एन एस टू बन के रह जाता, बाकी सब अल्कोहल में आ जाते, तो क्लियर हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एक्सेप्ट अमाइड, और एन ए वी एच फोर ओनली एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा और किसी को, तो COO CS3 डबल बॉन्ड हो COOH साइनाइड NO2 COCl, इसको LiLH4 देंगे तो क्या बनेगा और NaBH4 देंगे तो क्या होगा, अब बताओ क्या क्या होगा दोनों, अटेंड करो बताओ,
सो एलाइल एच फोर किस पे रिड्यूस करेगा? सबको रिड्यूस करता है वो, तो क्या हो जाएगा? सीओ सी एस थ्री एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, सी एस टू एन एच टू, एनओ टू का एन एच टू, इसका भी सी एस टू एच यही होगा ना, बट एन ए बी एच फोर एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड तीन को ही रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, एस्टर का तो कुछ नहीं हुआ, कीटोन का हो जाएगा, एसिड हैलाइड को भी कर देगा, एसिड हैलाइड 1 डिग्री एल्डिहाइड और कीटोन, इसको एजिटेट छोड़ दो, सी ओ एच को कुछ नहीं करेगा, साइनाइड का कुछ नहीं हुआ, एनओ टू का कुछ नहीं हुआ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम है आइसोप्रोपॉक्साइड, ये केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करता है, किसको? नॉन हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, इसको एमपीबी रिडक्शन भी बोलते हैं, मिरविन पॉन्डरफ बेरेले रिडक्शन, तो जैसे कि सी ओ एच होगा सी एच एन ओ टू, सी एच के साथ सी ओ सी एल ले लो, सी ओ एच सी के साथ साइनाइड, सी एच के साथ सी एस थ्री, सी ओ सी के साथ 3-मिथाइल, अब इसका ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एलाइल एच फोर किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, एनएबीएच फोर किसको रिड्यूस करेगा बताओ, और एआईपी किसको रिड्यूस करेगा? यही ए बी, ये क्या है? वेल्टेस ई आई सी बी तुम बोल दो, नहीं वो भी नहीं बोल दो, यही ए बी क्या है? इवन सी बी बोल दो, वो सब एलिमिनेशन में हो चुका है, हाँ वो सब एलिमिनेशन में किया था। एन ए बी एच फोर किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस कौन कौन सा ग्रुप है? ओनली फर्स्ट एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, एसिड हैलाइड को करता है, एसिड हैलाइड 1, 3 एंड 6 कीटोन एंड एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, एआईपी केवल एल्डिहाइड कीटोन के लिए, वो भी नॉन हिंडर्ड, तो नॉन हिंडर्ड वाला कौन सा है? विल रिड्यूस ओनली वन, यही होगा ना, नॉट इवन 6 एज इट इज स्टेरिकली
ओके अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे सी डबल बॉन्ड हो ले लो पुष्पार एम जी एक्स सेकंड पे एस थ्री ओ प्लस तो क्या बना रहता है सी के साथ ओ एच ये आर हो जाएगा कैसे मैकेनिज्म देखते हैं क्लियर होगा तो उससे अल्कोहल बनता है तो ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा ग्रिग्नार्ड का जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया तुमने आर एम जी एक्स दिया जैसे पोलराइज होगा आर माइनस एम जी एक्स प्लस और इस पर अटैक करता है क्यों यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है ना मतलब न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होता है एल्डिहाइड के टर्म का रिएक्शन ही होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये आर हो गया यहाँ पे ओ माइनस था एम जी एक्स प्लस आ गया अब इसको तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ब्रेक होगा कैसे ब्रेक होगा ऐसे एच इधर एच इधर किसमें आ जाएगा वो इट्स कन्वर्ट्स टू आर ओ एच यहाँ जो था वो रहेगा प्लस एम जी एक्स ओ एच अब इसमें क्या होता है जैसे सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ले लो और सी एस थ्री एम जी बी आ दिया तो क्या होगा ये माइनस प्लस ये अटैक किया इधर जाएगा हाँ फर्स्ट में ये दो इसको इसको तो ड्राई इथर में करना होगा इसके साथ वाटर दो गए ना तो सी एस थ्री एम जी बी आ रहे हैं इसको तुम वाटर दे दोगे तो क्या होगा सी एच फोर बन जाएगा इसलिए सी एच थ्री एम जी बी आर यूज विथ वॉट ड्राई इथर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ड्राई होना चाहिए एकदम और इथर कि उसको एच प्लस कहीं से ना मिले तब क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री तो सेकेंड स्टेप में एच थ्री ओ प्लस था पहले रिएक्शन हो जाए तो एक साथ नहीं डाल सकते बट एच थ्री ओ प्लस है तो इसका डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो फिजिबल ना तो हम लोग नहीं चाहते कि एल्कीन फॉर्म हो तो एच प्लस इतना एसिडिक दो ही मत एसिडिक सॉल्ट दे दो एसिडिक सॉल्ट दोगे तो एच प्लस बहुत कम आएगा तो एल्कीन तो नहीं बना पाएगा तो अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या करते हैं एनएच फोर प्लस सी एल एन एच टू इज यूज्ड ये क्या करेगा इट विल गिव एच प्लस इन व्हाट लिमिटेड अमाउंट एच प्लस लिमिटेड अमाउंट हो जाएगा जैसे आर सी ओ ओ आर अब तुमने आर एम डी एक्स इसको एक्सेस दे दो और सेकेंड स्टेप में एन एच फोर सी एल और एच टू ओ दे दो तो पहले स्टेप में क्या होगा आर सी ओ आर आर माइनस आएगा एम जी एक्स प्लस है एसिड डेरिवेटिव है ना पहले बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा रिटर्न्स बैक एंड देन ओ आर गोज आउट व्हाट इट विल फॉर्म इट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन अगेन आर एम जी एक्स विल बी देयर वो जाके इस पर अटैक करेगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर सी आर ये हो जाएगा ओ एम जी एक्स थ्री डिग्री अल्कोहल मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव विल बी कन्वर्ट टू थ्री डिग्री अल्कोहल यहाँ पे एनएच फोर सी एल था ना रेस्ट वो एनी एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट टू कौन कौन से मतलब आर सी ओ सी एल है तो भी वही होगा आर एम जी एक्स फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में
NH4Cl और H2O दे दो, SF एच प्लस भी दे तो वही करना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, RCO R नेक्स्ट स्टेप में 3 डिग्री। एनहाइड्राइड का क्या होगा, सेम पार्ट, R माइनस अटैक किया तो ये इधर जाएगा, ये एल्डिहाइड और ये एसिड, तो 2 मोल क्या बन जाएगा धीरे धीरे, RCO दोनों अल्कोहल में चले जाएगा ना, RCO आर एन का एंटायर एसिड और एसिड डेरिवेटिव इधर जाएगा, पहले कीटोन, कीटोन के बाद 3 डिग्री अल्कोहल, राइट, एक्सेप्ट व्हाट, ऑल एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव प्लस आर एम जी एक्स एक्सेस कन्वर्ट्स टू 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट व्हाट, एसिड एनामाइड। एसिड नहीं लिखोगे, ऑल एसिड डेरिवेटिव, क्यों आरसीओ एस दे दोगे और आर डैश एम जी एक्स दिया हुआ है, ये माइनस प्लस तो ये इधर नहीं जाएगा, वो एच प्लस यहाँ से लेगा और आर डैश एच बन जाएगा। सिमिलरली आरसीओ एन एच टू भी दिया ना तुमने, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी आर डैश एम जी एक्स के साथ रिएक्ट करेगा और आर डैश एच बनेगा। क्लियर हुआ ये? ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, जो अभी बताया था रिएक्शन में, CH3CO CH CH2, आर एम जी एक्स कहाँ अटैक करेगा, ऑफकोर्स टर्मिनल पे, लेस स्टैंडर्ड पे क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एम जी एक्स, और ये क्या बन जाएगा CH2 के साथ आर में, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच सी एच टू आर, क्लियर, सब एक ही जैसा रिएक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्सेस आरएलआई, क्या डिफरेंस है, RLI में हिंड्रेंस कम तो कहीं भी रिएक्ट करता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मिथाइल, मिथाइल CO C, ये मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल है। अब यहाँ पे होगा RMDX और यहाँ पे S3O+, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, CME3 अगेन नो रिएक्शन, हिंड्रेंस फैक्टर, बट विथ RLI इट विल रिएक्ट, सो RLI विल रिएक्ट। क्लियर हो गया ये, देखो आउट है रिएक्शन, यस सर, कैन यू टेक एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी लेक्चर चाहिए, वो लर्न कर जाओ, वो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, सर ले लेंगे वो, मैं ऑर्गेनिक पहले ओवर कर लूँ अपना, और वो भी उनके भरोसे नहीं, तुम अपना लर्न करो, बुकलेट जो मिलेगा ना उसमें सारे रिएक्शन होंगे, तो तुम्हें रिएक्शन लर्न करना होगा,
कि वो सब टेस्ट लिए रहेंगे, जैसे कार्बोनेट है तो एच प्लस डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ईजी रहेगा। कार्बोनेट को एच प्लस डालोगे सीओ टू गैस बाहर आएगा, लाइम वाटर के साथ मिल्की प्रेसिपिटेट, एक्सेस डाला तो डिजोल्व हो जाएगा। उसमें सर भी क्या बताएंगे, जो लिखा हुआ वही है। तीन ऑर्गेनिक के इन सब चैप्टर्स के लिए टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही है ना। कार्बोनेट का और टेस्ट होगा कि कैल्शियम के साथ वो प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो जो कलर है सो है वो लर्न कर। सबका वैसे ही होगा, नाइट्राइट है, नाइट्राइट में एच प्लस डालोगे तो लिखा रहेगा एच एन ओ टू बना रहेगा, एच एन ओ टू ब्लू कलर का होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए एन टू ओ थ्री भी बन जाएगा। फिर डिस्प्रोपोर्शनेट करके एनओ आएगा, एनओ जैसे ही एयर में आएगा ऑक्सीजन से मिलकर एनओ टू बन जाएगा, तो चार रिएक्शन दिया होगा। उसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, कर देगा सर के प्रश्न मत बैठना, कर ले। ये सब कंसेप्चुअल है जो मैं बता रहा हूँ, इसे तुम्हें मुझसे ही सीखना पड़ेगा। उनका फिजिकल खत्म होगा फिर सर इनऑर्गेनिक क्या कर देंगे। रिप्रेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री एमआई इनऑर्गेनिक एब्सोल्युटली एनसीईआरटी लर्न करना हो गया तुम्हारे, किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो ये मैंने बताया था प्रीवियस टाइप में, प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में किया हम लोगों ने। NNO2 और HCl वाला क्या बन गया था, Rn2+, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी था, R+, और फर्दर जाके क्या बन गया था, ROH मेजर माइनर, क्या क्या बन गया था, ROH बना था, RoR भी बन जाएगा, RCl भी बनेगा, RNO2 भी बनेगा, यही होगा ना। ये कर चुके हम लोग, ओके। नाउ फ्रॉम एस्टर्स, फ्रॉम एस्टर्स एसिड डेरिवेटिव, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, बस पानी डाल दो सब एसिड बन जाता है वापस। जैसे RCOCl है, जैसे एयर में लाओगे फ्यूमिंग क्रिएट हो जाएगा, क्यों, H2O है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर आके इस पर अटैक करेगा, यहाँ डेल्टा प्लस है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया वही है, इसलिए एसिड एसिड डेरिवेटिव केवल 2 घंटे में हो जाता, क्योंकि सब जगह यही एक मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल जाके पहले ऐड होगा, एडिशन फॉलोड बाई वॉट, एलिमिनेशन, क्यों, A- किसी लिविंग ग्रुप का रहने नहीं देगा, O- तो वापस शिफ्ट करके लिविंग ग्रुप जो भी है बाहर, ये क्या बन जाएगा, RCOOH, और यहाँ से HCl बाहर चला गया सॉल्यूशन से, तो कोई भी ऐसे डेरिवेटिव पे हाइड्रोलिसिस से वही होगा। मतलब RCOCl था, यहाँ तुम्हें OH और H किया, यही किया ना, तो फॉर्म्स RCOH प्लस HCl, RCOR रहेगा, फिर वही पार्ट OH यहाँ पे H इसके पास, एनहाइड्राइड रहा, वही हाइड्रोलिसिस, OH इधर H इधर, अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस करोगे, ये एसिड और ये H, क्लियर ना। एंटायर एसिड डेरिवेटिव में क्या हाइड्रोलिसिस से ये सब एसिड ही बन जाता है। एसिड डेरिवेटिव को कुछ नहीं करना, वाटर में डाल दो, धीरे धीरे सब एसिड बन जाता है। H प्लस क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, क्लियर। तो एस्टर जब लेंगे RCOR- प्लस H2O एच प्लस, ये क्या होगा, कैटालिस्ट होगा, एच प्लस क्या है, कैटालिस्ट, वो रीजनरेट हो जाएगा। आर तो मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोडक्ट तो वही आने वाला, बट रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, RCOH प्लस RSOH, वो लिखेंगे जैसे ये O18 है तो कहाँ गया, O18 तो इसके पास जाएगा ना, ये OH है तो OH इसके पास ऐसे। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये बहुत पूछते हैं कि O18 वाला कहाँ पे जाएगा, मैकेनिज्म मालूम है कि नहीं। ऑक्सीजन का लोन पेयर ऊपर गया था कि नीचे आया तो लिविंग ग्रुप निकल जाता है ना, कैटलिस्ट कैसे रीजनरेट करेगा, RoR-S प्लस H2O, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये क्या होगा, स्लो रिएक्शन, तो फास्ट कैसे कर सकते हम लोग, एसिड दे दो, RCOR-S है, H+ दे दो, H+ दोगे तो फास्ट,
ये लोन पेयर है उस पर अटैक किया तो क्या बन जाएगा वो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस और ओ आर डैश। अब वाटर अटैक कर सकता है इसका डेल्टा माइनस पे क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो इस पर प्लस चार्ज आ रहा है ना तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल होते जाता है तो आर सी ओ एच ओ आर डैश ओ एच टू ओ प्लस। नाउ ओ आर का लीव करना डिफिकल्ट था बट नाउ दिस एच प्लस गोज एंड मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप। यही स्टेप प्लान कर लेना, ये स्टेप प्लान कर लेना है ना। तो ये ओ एच आ जाएगा, नाउ इट हैज मेड अल्कोहल एज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन का लोन पेयर शिफ्ट्स एंड अल्कोहल गोज आउट। सो व्हाट विल गेट कि आर सी ओ एच ओ एच इस पे प्लस आ गया एंड नाउ आर डैश ओ एच इज फॉर्म एच प्लस इज रीजनरेटेड। क्लियर? तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा कभी भी एसिड और अल्कोहल भी ना, ये चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि एसिड प्लस अल्कोहल तो तुम्हें ये बनाना है एस्टर प्लस वाटर। ये रिएक्शन तीन जगह पे सेम मैकेनिज्म आएगा, एक तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस, दूसरा एसिड चैप्टर में आएगा एसिड प्लस अल्कोहल, तीसरा यहाँ पर आ रहा है अल्कोहल प्लस एसिड। अभी अल्कोहल प्लस एसिड आएगा ही, अभी तो प्रिपरेशन किया हम लोग ने एस्टर में वाटर डाल के, अभी अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट करके फिर यही रिएक्शन बैकवर्ड ले जाएंगे यहाँ से, जैसे जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड गया ना वैसे वैसे बैकवर्ड करते जाएंगे। तो तीन चैप्टर में आ जाता है एस्टर एसिड और अल्कोहल सेम मैकेनिज्म। एक बार मैकेनिज्म समझ गया तो हो जाता है फिर। तो आर सी ओ आर प्लस एच टू और ओ एच माइनस हो गया, तो यहाँ पे सिंस सॉल्ट इज देयर ना ये, इसलिए ओ माइनस बनेगा, एसिड नहीं बन पाएगा। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस है ना, बेस हाइड्रोलिसिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। ये यूनिडायरेक्शनल होगा आरसीओआर डैश है ना, तब यहाँ पे ओएच माइनस हो गया तो ये स्लोली नहीं जाएगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ इधर से बाहर, क्या बन जाएगा आर सी ओ ओ एच और यहाँ से आर डैश ओ माइनस, ऐसे होगा ना। फिर ये अपना एच प्लस इसको दे देगा आर सी ओ माइनस और आर डैश ओ एच। ओके, फ्रॉम ईथर्स, ईथर्स से कैसे प्रिपेयर करेंगे? ईथर्स तो आर ओ एच को हीट करके ही तो बना है ना, एनहाइड्राइड ऑफ ईथर ही तो है ये, माइनस एच टू ओ कर दिया आर ओ आर बना हुआ, आर ओ आर इज नथिंग बट अल्कोहल का एनहाइड्राइड, अल्कोहल का इसका हाइड्रोलिसिस कर दो बन जाता है। जब आर ओ आर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या होगा, पहले स्टेप में आर ओ आर एच प्लस आएगा, ऐसे होगा ना, राइट? फिर शिफ्ट होगा आर प्लस और आर ओ एच बन गया, इसको जाके एच टू अटैक करेगा, ये भी आर ओ एच आ गया। जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है वो बना था, स्टेबल कार्बोकेटाइन का आर बनेगा है ना, जैसे सी एस थ्री ओ सी के साथ तीन मिथाइल, राइट? अब सोचो कि इसको हम लोग दे दें एच प्लस के साथ एच टू ओ दे दोगे क्या हो जाएगा, डी प्लस और डी टू ओ देते हैं, ये क्लियर करेगा, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही है। एच प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सी एस थ्री ओ एच और एम ई थ्री सी प्लस, और इसको क्या मिल जाएगा, एस टू का लोन पर अटैक कर दो तो एम ई थ्री सी ओ एच। फिर वही है, मतलब इथर से दो मोल एसिड अल्कोहल वापस मिल जाएगा, राइट? इसके बाद था फ्रॉम एल्किन्स, एल्किन्स के तो सारे रिएक्शन याद होंगे,
आर CH3 CH CH3 CH double bond CH2 पहला था कि H3O प्लस दो गए, H प्लस अटैक करके रीअरेंज प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे क्या आ गया था ओ एच, ये सी एच टू सी एच थ्री, यही होगा ना। और इसका ओ एम डी एम कर दो, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ ओ एच और ये सी एच थ्री। और एच बी ओ कर दोगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल विदाउट टीआरएन, ऐसे होगा ना। लाइलिक हाइड्रोजन विथ एस सी ओ टू सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वो, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री है, ये दो लाइलिक है बट ये इजिली ऑक्सीडाइज होगा लेफ्ट वाला, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पड़ जाएगी। तो क्या होगा ये सी एच थ्री के साथ सी एच ओ एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच के साथ सी एच थ्री, यही है ना। तो प्रिपरेशन डन, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अगर रिएक्शन सब रिपीट हो रहा है ना, अब ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिक बचा नहीं है, बहुत कम ही बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सब कहीं ना कहीं पढ़ चुके तुम लोग, यहाँ से 80% रिएक्शन तुम्हें देखे हुए ही नजर आते हैं। अल्कोहल्स क्या होता है, अल्कोहल्स का स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है ना, वो अल्कोहल नहीं जो लोग ड्रिंक करते हैं उसको स्वीट स्मेलिंग नहीं, उसमें ऐसा स्मेल बनाया जाता है कि लोग ज्यादा एक साथ ड्रिंक ना कर लें, उसको कड़वा बना दिया जाता है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड विथ अ बर्निंग टेस्ट। दूसरा क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या ड्रिंक करते हैं, इथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस। तो कई बार गाँव में वो बनाते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल की जगह कुछ पार्ट मिथाइल अल्कोहल का बन जाता है तो पॉइजनस हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस वाइल इथाइल अल्कोहल, वाइल इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, मेडिसिन में देखोगे कफ सिरप में ये रहता है इथाइल अल्कोहल, एंड बेवरेजेस में होता है सी एच थ्री ओ एच है, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड और फर्दर फॉर्मिक एसिड, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो सी ओ टू में जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सी ओ टू में, एक ही कार्बन ही है। अब सॉलिबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन व्हाट, वाटर, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा ही है ना, विथ एच टू ओ मॉलिक्यूल। बट बाद वाले सोल्यूबल नहीं होते, बट आफ्टर फोर कार्बन क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज करेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ आर इंक्रीजेस, बाद वाले डिजॉल्व नहीं होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीजेस ना, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके एल्केन और बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ अल्कोहल्स आर ग्रेटर देन एल्केन. क्यों? इसमें क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ना, एल्केन में, राइट. और इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. इसको तीन पार्ट में देंगे, रिएक्शन इसका जो देगा, जो OH का रिएक्शन दे और जो टोटल का रिएक्शन दे. रिएक्शन गिवन बाय हाइड्रोजन बाय OH बाय ओवरऑल अल्कोहल, तीन पार्ट में. तो पहला अल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन, कौन कौन सा ये किसके साथ देगा गिब्स टेस्ट पे, तो ये जीओसी में हम लोग कर चुके हैं. एक्टिव मेटल आर माइनस, मतलब आरएमजीएक्स वगैरह, आरएनए और ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड हो गया NaNH2, आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ऐसे ना. क्यों एसिडिकेशन कैसे था, NaH वगैरह CH4 इससे ज्यादा एसिडिक, NH3 इससे ज्यादा एसिडिक, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, देन अल्कोहल, देन वाटर, देन फिनॉल. इसका टेस्ट विल बी गिवन बाय ये सब बेस विल गिव द टेस्ट ना, कौन सा CH3 माइनस, NH2 माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, H माइनस, खुद एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो, मतलब मेटल से. ये सब कर चुके हम लोग, जैसे कि C2H5OH प्लस Na, Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन H प्लस से रिएक्ट किया, C2H5ONa प्लस हाफ उसके, ये किया था हम लोगों ने. NaH रहेगा तो भी वही होगा, C2H5ONa प्लस H2 NaNH2 रहा तो C2H5OH प्लस NH3, RONa रहा तो RC ट्रिपल बॉन्ड CNa, इसका भी यही होगा Na प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड CH. एसिडिक चैप्टर में कर चुके हैं, ये क्लियर है. कोई भी RMGX ले लो, तो यहां से भी क्या होगा, RH बन जाएगा ना वो C2H5OMgX. ये सब टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, अल्कोहल कैसे करता है. नाउ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल्स. ROH हो गया, HCl, HBr, HI क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा ना, और H2O. OH ग्रुप ही तो ब्रेक हुआ, PCl5 यहाँ भी क्या बन गया था, RCl प्लस POCl3, साइड प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट, तो बोला था कि याद कर लेना साइड प्रोडक्ट भी. PCl3 के साथ भी RCl तो आएगा ही, और ये प्लस थ्री वाला, ये प्लस फाइव वाला से प्लस फाइव याद रखना था, ये प्रीवियस लेक्चर में सब किया हम लोगों ने, है ना. ये क्या बन जाएगा, H3PO3 आएगा ना, प्लस थ्री वाला
SOCl2 थायोनिल क्लोराइड सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट बने SO2 और HCl, द बेस्ट मेथड था ये। OH ब्रेक हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन कर दो तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन से OH खत्म होकर एल्कीन बना था, एलिमिनेशन में ये किया था हम लोगों, राइट। एलिमिनेशन में कैसे किया था, आर ओ एच है तो तुम टी एच ओ टू के साथ ट्रीट करो, है ना, और एनी हैवी मेटल ऑक्साइड वो ईवन सी बी से ब्रेक होगा। ईवन सी बी क्या था, कार्बन आयन बना था ना, अब वही डिहाइड्रेशन तुम किसी एसिड के साथ हीट करो, H प्लस के साथ हीट, एग्जाम्पल एच सी एल ओ फोर कॉन्क एच टू ओ फोर यही है ना, एच थ्री पी ओ फोर, तो एच प्लस देके क्या बन जाता था, आर प्लस जो फर्दर हीट करके एल्कीन आया था, ये सब एलिमिनेशन में कर चुके हम लोग, ये क्या हो गया ईवन मैकेनिज्म ना। और वही आर ओ एच है तुम उसको डायरेक्ट हीट कर दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल टू ओ थ्री यू सी एल थ्री या पी टू ओ फाइव ये सब के साथ हीट कर दोगे तो ई टू मैकेनिज्म से एल्कीन हो, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच है, अब तुम एल टू ओ थ्री के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो तो वो OH और H यहाँ से एलिमिनेट होगा, ये CH हो गया यहाँ से H जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बट उसी को Al2O3 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो तो वो इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ना होगा इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, CH2 CH2 OH था ना, और यहाँ HO के साथ CH2 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 CH3 ये H और OH जाएगा तो क्या बन जाएगा वो CH3 CH2 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 O CH2 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 CH3 ऐसा, तो ये दो टेम्परेचर याद करना 350 डिग्री 250 डिग्री और 350 डिग्री 350 डिग्री पे इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन विद इन मॉलिकुलर OH और H जाएगा और यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर, तो ये E2 मैकेनिज्म ही है ना, E2 मैकेनिज्म एक स्टेप हो जाता, अब CH3 CH H अब OH अब दो H है तब कहाँ से जाएगा, अब तुमने Al2O3 हाई टेम्परेचर दे दिया, Al2O3 खुद अनहाइड्राइड है AlOH थ्राइस से तो हीट करने पे बाहर जाता है, मान लो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो वो बनाएगा प्रोडक्ट जिसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH CH3 250 डिग्री रहता था, फिर से यही कर देते तुम्हारा 250 पे क्या आता ईथर बन जाता ना आर ओ आर, उसी तरह अल्कोहल का भी जो रहता है CH3 CH2 OH ये दो टेम्परेचर भी याद करना, कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉन्क H2SO4 कॉन्क तो जरूरत ही है डाइल्यूट रहेगा तब H2SO4 वाटर से रिएक्ट कर लेगा 170 डिग्री, यहाँ एल्कीन बनता है और यहाँ ईथर बनता है, ये टेम्परेचर लर्न कर लेना दो, ये सब लर्न है, चारों टेम्परेचर लर्न होने चाहिए, उसमें होता क्या है कि कम टेम्परेचर दोगे तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच जैसे ही एच प्लस बनेगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना,
अब सी एच थ्री सी एच टू ओ एच हो गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अटैक करेगा तो ये बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये 140 डिग्री था, वही 170 रहता था, एनफ फिट है कि कार्बोकैटायन बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू प्लस, और वो आगे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये दो टेम्परेचर भी याद कर लो। क्लियर? yeah.